the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so namaskar adab satsriyakaal I am dr paramjeet aap dekh rahe doctor education Dostoh, ek naya virus aur ek virus. एक और वायरस और फिर बीच में आपने सुना था हंटा वायरस आया था उस पर हमने आपको जानकारी दी कि वो अभी फिलहाल ऐसा कोई टेंशन वाली चीज नहीं और रेयर चीज है अब एक नया वायरस आया है नया वायरस 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 से से प्रॉब्लम पुराने पुराने ज्यादा नहीं आता पुराने के बारे में हमें जानकारी होती है नया वायरस नया वर्जन खतरनाक हो सकता है ऐसा ही एक नया वायरस आया आपकी बार स्वाइन फ्लू का स्वाइन फ्लू अगर एच वायरस जो स्वाइन फ्लू का होता है अगर आपको याद हो ये दो बार एक बार इसने Uh, 2009 और एक बार 1918 में बहुत जोरदार पैंडमिक लिटरली पूरी दुनिया में पैंडेमिक किया था और बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में लोगों की जान गई थी इंक्लूडिंग इन इंडिया राइट सो इस तरीके का पैंडेमिक होना अपने आप में दिक्कत वाली चीज़ है और अब एक नया फ्लू स्ट्रेन आया है एक और नया वायरस इसी का एच वायरस का जी वर्जन इसका जिनो टाइप 4 है मतलब फोर जी, जिनो का वेरियंट है और ये इसको इसका पूरा नाम है जी फोर ई एच वन एन वन राइट एच वन एन वन इज द स्वाइन फ्लू वायरस सो ये पिग्स में पाया जाता है पिग्स और ये मेनली पिग्स की वायरस है ठीक है और ये प्रॉब्लम क्या होता है ये अब पहले से पहले तो पिग्स में ही रहता था और बहुत सारे बहुत सारे पिग्स को चाइना में हो रहा है हो चुका है और पिग्स में रहते रहते फिर क्या होता है ये म्यूटेट होते रहता है कोई एक आधा म्यूटेशन इसका ऐसा हो गया कि अब ये पिग से पहले जमाने पहले नॉर्मली ये पिग से ह्यूमन में आता था ह्यूमन तो में इसका अटैच होने का कोई रिसेप्टर मैच नहीं होता था तो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं होता सो so, अब ह्यूमन <coughs> को वो इन्फेक्ट कर रहा है दैट एक म्यूटेशन पर ऐसा अटैचमेंट बन गया है जो ह्यूमन में अटैच हो रहा है दैट इज नॉट अ गुड साइन दिस इज अ वेरी बैड साइन दिस इज अ वेरी वेरी बैड साइन कि ये आ, एक पिग्स का वायरस एक और वर्जन बन के ह्यूमन में आ गया है अभी तक इसके ऊपर रिसर्च भी हो चुका है कि ये इसके ऊपर पैंडेमिक पोटेंशियल है मतलब अगर ये एक और बार म्यूटेट हो गया ह्यूमन के अंदर और अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगे तो फिर ये भी अगर कंटेन नहीं हुआ तो ये भी एक और पोटेंशियल पैंडेमिक हो जाएगा एच वन एन वन का पैंडेमिक पहले भी दो बार बहुत घातक हो चुका है और बहुत दिक्कत उसकी होती है एच वन एन वन की वायरस है लेकिन वो एच वन एन वन की वैक्सीन है हमारे पास लेकिन ये ये एच एन एन वन का Uh, नया वर्जन है नया स्ट्रेन है सेम वैक्सीन इस पर काम नहीं करेगी याद रखिए और अभी फिलहाल ये नहीं फैल रहा ह्यूमन टू ह्यूमन लेकिन इट कैन बिकम ट्रांसमिटेबल याद रखिए पहले कोविड के बारे में भी यही बात हुई थी कि ये नहीं फैल रहा ह्यूमन टू ह्यूमन फिर वो फैलने लगा सो वी डोंट नो राइट ये एक इमीजिएट थ्रेट नहीं है बट ये हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसकी जानकारी और आपके लिए जरूरी है कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में और ये आया कहाँ से इसके ऊपर स्टडी हुई है प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस की कि वायरस जो है स्वाइन फ्लू का ही वर्जन है लोगों में नहीं फैल रहा लोगों के थ्रू लोगों में जो फैल रहा है लोगों के लोगों के नहीं ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है पिग्स टू ह्यूमन फैल रहा है और रिसर्चर्स कह रहे हैं कि लेकिन ये पॉसिबल है वेरी लाइकली वेरी लाइकली का मतलब होता है कि ये ज़रूर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने लगेगा इसके ऊपर uh, कई सारे uh, uh, रिसर्चेज अब चालू हो जाएंगे ट्रांसमिशन अभी पिग टू ह्यूमन और बैट टू ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल टू ह्यूमन हो रहे हैं नाउ दिस इज वेरी टफ कि हम इसको प्रिडिक्ट करें कि कब ह्यूमन टू ह्यूमन चालू होगा लेकिन देर इज बी अ पॉइंट इन आगे लाइफ में कि यह होगा ऑब्वियसली एक बड़ा स्टेप है कि वायरस जो है एक पैंडमिक बन जाए और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो लेकिन यह भी बड़ा स्टेप है कि वायरस जो है वो पिग से ह्यूमन में आ जाए <coughs> याद रखिए देन देन वायरस uh, का जो स्ट्रेन है ये कैसे पता चला देखिए 2011 से 2018 के बीच में 2011 से 30,000 पिग्स तीस 30 हजार पिग्स को स्लॉटर हाउस जो उनके चाइना के होते हैं उनके नेजल स्वैब लेके उनकी टेस्टिंग की गई थी जहां पर वेटनरी टीचिंग हॉस्पिटल्स में और उन 2000 uh, उनके जो uh, स्वैब्स लिए उसमें रिसर्च में देखा गया कि ये एक नया स्ट्रेन निकल के आया है जिसको उन्होंने जीनो टाइप फोर पे आइडेंटिफाई uh, किया एंड दिस इज़ ट्रू कि एक नया वायरस है एक इंपॉर्टेंट थ्रेट है और पिग्स के पिग्स ये फैलता है और पिग्स में तो ये बहुत लंबे बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है लिटरली चाइना में और इसी वजह से थ्रेट बना हुआ है और क्रूशल बहुत ज़रूरी है ये देखना कि, कि और जितने भी लोग पिग्स फार्म में काम करते थे उनमें भी एक बड़ी 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 तादाद में मान सकते हैं आप कि ये ह्यूमंस में हो चुका है पर ये पिग से ह्यूमन में हो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं हुआ अभी तक सो so ये एक सर्वेलेंस चल रहा है स्टडी चल रही है इसके ऊपर नजर रखी गई है क्योंकि जी वायरस जो है इसमें जो पहले 2009 में फ्लू पैंडमिक हुआ था 1918 में इन्फ्लुएंजा पैंडमिक हुआ था उसके जैसे ब्लेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब 2009 और 1918 का ब्लेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत डेंजर वाली बात है सो so, <coughs> वो भी एवियन वायरस था और ये भी है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द वायरस विल माइट विल हैव वाइड स्प्रेड ऑकरेंस इन द पिग्स मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में पिग्स को जाने वाली है वायरस पिग्स को मतलब होगा पोटेंशियली ये स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन आगे चल के आ जाएगा और अगर आ जाता है और इसको कंट्रोल नहीं किया चाइना ने या बात छुपाई तो ये पैंडमिक फिर बन जाएगा सो so, बहुत जरूरी है अब चाइना से सारे रिश्ते नाते कट करना बहुत ज़रूरी है चाइना को अपने गलतियां समझना और ये जितने इनके लाइव एनिमल मार्केट हैं वो सब बंद करना नहीं करेंगे तो ये होता रहेगा ये होता रहेगा ये होता रहेगा सो so ये एक बात हुई <coughs> अब याद रखिए फ्लू वायरस जो होते हैं ये आ, बर्ड फ्लू एच वन एन वन स्वाइन फ्लू इनके सब के मान लीजिए <coughs> एक काइंड ऑफ पोटेंशियल एस्पेक्ट देखे गए हैं इसमें और इसमें मतलब बहुत सारा पोटेंशियल है पोटेंशियल अच्छा नहीं है हमारे लिए अगर ये वायरस पैंडमिक बनता है तो हो सकता है इसका डेथ रेट और भी ज्यादा हो सो तो ये अच्छा नहीं है कोरोना वायरस से ज्यादा घातक हो सकता है सो वी रेड रियली डोंट नो कि क्या होगा बट इट्स इज अ डेंजर राइट और ऐसे बहुत कॉमन है कि ये वायरस जंप कर जाए फ्रॉम वन पिग होस्ट टू ह्यूमन होस्ट और ह्यूमन होस्ट बन जाएगा तो ह्यूमन टू ह्यूमन फॉम फॉलो होने लग जाएगा अब क्या कर रहे हैं हम अब इसके ऊपर नजर रख रहे हैं चाइना में बातचीत चल रही है कि इतने सारे पिग्स को वो मार दें अगर पिग्स को मार देते हैं तो बहुत ज़्यादा मेजर मात्रा में नुकसान होगा चाइना की इकोनॉमी को पिग्स हैंडल करने वाले लोगों को उस कम्युनिटी उस, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो नुकसान झेलना और उस उसको कॉम्पनसेट करना चाइना का काम है अगर वो नहीं करते हैं पिग्स को ज़बरदस्ती चलने देते हैं तो ये ह्यूमन को और फैलेगा और ज़्यादा ह्यूमन को होगा तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे राइट right? ये एक म्यूटेशन है एक बड़ा शिफ्ट है और प्रॉब्लम है कि ये इन्फ्लुएंजाज में यही प्रॉब्लम होती है कि ये रिसॉर्टमेंट और रिकॉम्बिनेशन होता रहता है मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली स्वैपिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर जीन्स और उनके फंक्शनल जीन्स जो है बेसिक इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे होते हैं लेकिन कुछ जीन्स स्वैप होते रहते हैं उसी वजह से स्वाइन फ्लू का जो एच का वायरस का वैक्सीन आता है हर साल नया वैक्सीन आता है हमारे पास और ये स्वाइन फ्लू वायरस जो था टू में पहले ये पिग से और एनिमल uh, से ह्यूमन में आया फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने लगा फिर पैंडमिक बन गया अब ये इसमें भी हो सकता है याद रखिए uh, याद इसमें एक और एस्पेक्ट ऐसा नहीं है कि हंड्रेड परसेंट होगा ही कुछ टाइप के जैसे एच फाइव एन वन एग्जाम्पल है एक स्ट्रेन का जो uh, पहले जमाने में ये एनिमल टू ह्यूमन तो जा रहा था लेकिन ये वहाँ पे स्ट्रक स्ट्रक कर गया वो चिकन टू पीपल जा रहा था चिकन से पीपल में चिकन से चिकन वर्कर में जा रहा था लेकिन उसका भी वरिड uh, थे हम कि वो पैंडमिक ना हो जाए पूरे हेल्थ केयर कम्युनिटी सारे रिसर्चर्स लेकिन वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं गया क्योंकि उसमें चिकन में एक बहुत हाई रेट डेथ रेट डेथ होता है और चिकन से ह्यूमन में भी होता है तो भी डेथ रेट बहुत हाई होता है ये डेकेट जगहों की बात है कुछ साल कई सालों पहले की बात है तो अब तक वो हुआ नहीं है हो सकता ये भी ना हो लेकिन कोई भी ऐसा वायरस आता है तो पूरी दुनिया को नॉलेज नौ, होनी चाहिए कि भाई चाइना में जाना अपने आप में ख़तरा है चाइना जाना या चाइना से कुछ लेना वो चीज़ हमें बंद करनी चाहिए राइट right? तो so, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं डरने की कोई बात नहीं है और इसमें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा वायरस अगला पैंडेमिक करेगा लेकिन ये याद रखिए कि जिस तरह से हम धरती माँ की ऐसी तैसी कर रहे हैं जिस प्रकार से लाइफस्टाइल ख़राब होती जा रही है लोगों की नेचर से दूर होते जा रहे हैं तो ये तो आज नहीं तो कल होना ही है सो so, आपको अपनी इम्यूनिटी पर काम करना होगा ये कोरोना वायरस उसका अंत नहीं है कोरोना वायरस सिर्फ एक शुरुआत है कि मान के चलिए और ये चीज़ आती रहेगी अपने इम्यूनिटी पे अपने लाइफ स्टाइल पर अपने मोटापे पे मोटापा एक मेजर रिस्क फैक्टर है उस पर काम करिए एक्सरसाइज करिए सही नींद लीजिए पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए और बहुत सारे इम्यूनिटी वाले सारे जितने स्टेप्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा अपनी लाइफ में अपने माइंड में अपने बॉडी में गलती ढूँढिए उस एक गलती को ठीक करते रहेंगे तब जाके आप बेटर होते जाएंगे वंस यू आर गेटिंग बेटर 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 देर विल बी लीस्ट चांसेस कि आपको ऐसा कोई भी आगे आने वाला वायरस प्रॉब्लम कर सके हाइजीन सबसे जरूरी है उसकी प्रैक्टिस कोरोना वायरस ने हमें दे दी है और आई होप वो प्रैक्टिस आप आगे करते रहेंगे चाहे जी फ हो चाहे सी फो रहा वायरस आएंगे लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए घबराना नहीं है सतर्क रहें लेकिन घबराएं नहीं पैनिक नहीं थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी